दशहरे के दिन मूर्ति विसर्जन के दौरान कपसिटी में जान से मारने की नियत से दो पुलिस वालों के ऊपर वाहन चढ़ा फरार आरोपी को सीरा से किया गिरफ्तार। वाराणसी जिले में पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण और अपर पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण के निर्देश में अपराध पर अंकुश लगाने तथा अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत क्षेत्र में देखभाल एवं वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली मुखबिर की सूचना पर दशहरे के दिन दो पुलिस वालों के ऊपर वाहन चढ़ा मारने की प्रयास के मामले में प्रकाश में आए 40 वर्षीय अभियुक्त शिव नारायण सिंह पुत्र बाबुल नाथ सिंह निवासी ग्राम कोड़ा थाना निवड़िया जनपद जौनपुर को कपसेठी पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर सिरीरा तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। कपसेठी पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में दशहरे के दिन मूर्ति विसर्जन के समय वाहनों का एक कतार से आवागमन कराया जा रहा था। उसी समय एक स्विफ्ट डिजायर कार जान से मारने की नियत से शांति व्यवस्था में लगे दो पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ाकर फरार हो गया था। यहां स्थानीय थाना पर धारा 307, 332, 427 बनाम स्विफ्ट डिजायर नंबर यूपी 62BC 9211 की कार और अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। वही विभिन्न धाराओं में वांछित आरोपी के खिलाफ कपसेठी पुलिस भी कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में आरोपी को जेल भेज दिया।